हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। अब इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है इस वीडियो का, वो उसी वाले पार्ट से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम उस वीडियो का अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को भी लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। सो दोस्तों, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पर कि 1978 में एक अपडेट होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। और उससे पहले जो अपडेट होता है वो आपका यहाँ पर 1978 में होता है, और उसके बाद आपका जो पार्ट रहता है आपका यहाँ पर 65 संविधान संशोधन होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर यहाँ पर एक उच्च स्तरीय क्या बनाया गया, बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया यहाँ पर, तो इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक तो आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर केवल एक विशेष अधिकारी के अंतर्गत ही यहाँ पर क्या यह आयोग कार्य करता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक अध्यक्ष, इसके साथ साथ एक कौन हो गया आपको यहाँ पर उपाध्यक्ष का पार्ट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा चार आप पे क्या हुआ करते थे यहाँ पर, सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 6 मेंबर से मिलके यहाँ पर ये हमारे आयोग का पार्ट ये बना हुआ था, क्लियर। अब जब 65 संविधान संशोधन हुआ है तो इसके अंतर्गत यहाँ पर ये कैफी संस्था बन गई थी आपकी, यहाँ पर संवैधानिक संस्था बन गई थी। अब जब ये संवैधानिक संस्था बनी है, ठीक है, तो इसका किसी न किसी आर्टिकल में इसका क्या दिया होगा, प्रावधान दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम बात करें यहाँ पर कि जब 2003 में क्या, जब 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत यहाँ पर आपके SC और ST इनके लिए सेपरेट क्या कर दिया हमने, यहाँ पर आयोग बना दिया। तो इसका जो पहले जॉइंट फॉर्म में यानी संयुक्त रूप से जो प्रावधान था वो कौन से रूप में था आपका, यहाँ पर 338 में था, ठीक है। किंतु यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सेपरेट करके, पृथक करके अलग आयोग बना दिया। तो इसका जो वर्णन किया गया, मतलब इसको जो बताया गया संविधान में, वो कहाँ पर बनाया गया इसके लिए, यहाँ पर आर्टिकल 338 के ए सेक्शन में, क्लियर वाली बात, ठीक है। और ये जो है वो वर्ष 2004 यानी कि आपके ईयर 2004 से यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया, क्लियर। तो ये सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना है और आपको उसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रखो यहाँ पर कि आपका जो अनुसूचित जनजाति आयोग ये प्रभाव में कब से आया आपका यहाँ पर, 19 फरवरी कब से आया आपका, ये 19 फरवरी 2004 से आपके जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ है आपका इंडिविजुअली, या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ है, तो आपको डेट याद रखनी है यहाँ पर 19 फरवरी 2004 को हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब ये आयोग बना हुआ 2004 में, तो इसके कोई ना कोई अध्यक्ष रहे होंगे। तो 2004 में क्या, 2004 में यहाँ पर जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन रहे हैं आपके यहाँ पर, कुंवर सिंह जी रहे हैं, ठीक है। कौन रहे हैं आपके यहाँ पर, कुंवर सिंह जी रहे हैं, तो इनको आप याद रखो, ठीक है। अब दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे, यदि आपसे कोई पूछे कि SC और ST का जो पहला आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन थे, भोला पासवान शास्त्री जी थे। कौन थे वो आपके यहाँ पर, भोला पासवान शास्त्री जी थे, क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी है, उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से है, और इनका जो कार्यकाल है वो क्या कितना रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने सदस्य हैं आपके यहाँ पर, 5 सदस्य हैं, जिसमें से एक कौन होता है आपका, अध्यक्ष होता है। एक व्यक्ति जो होता है वो कौन होगा आपका यहाँ पर, उपाध्यक्ष होगा। जबकि 3 जो अन्य व्यक्ति होते हैं इसमें, इनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। इन 3 सदस्यों में यहाँ पर आपके क्या, एक महिला होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, आप इसको याद रखो यहाँ पर। तो आयोग की संरचना में जो है वो 5 व्यक्ति हैं, एक आपके चेयरमैन जिसे हम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, एक उपाध्यक्ष होगा, जबकि 3
आपके अन्य क्या होंगे, आपके यहाँ पर सदस्य होंगे, ठीक है। तो आई होप सो इतना पार्ट क्लियर होगा आपको, सारे के सारे पॉइंट आपके प्री लेवल पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सो सारे के सारे पॉइंट को आप दिमाग में सेट करते चलो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और आपके जो सदस्य हैं, तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो संवैधानिक निकाय होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कराएगा, आपके यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, हमने इससे पहले देखा था कि आपके अनुसूचित जाति क्या, आपके जो अनुसूचित जाति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 3 ईयर्स होता है। तो इन द सेम मैनर इसका भी जो कार्यकाल है वो कितना होगा, आपका यहाँ पर 3 वर्ष होता है, ठीक है। अब बात करें इनकी जो सेवा शर्त और कार्यकाल जो है वो सब किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आयोग के क्या कार्य होंगे। अब ये जो आयोग बना हुआ है वो किसके लिए बना है, जनजाति के कल्याण के लिए। तो जनजाति से जुड़े हुए जो भी केस हैं, जो भी मुकदमे हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, तो उन सब से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, उन सब का संज्ञान और उन सब की जो शोषण को किस प्रकार से रोका जाए, उसको किसके द्वारा देखा जाएगा, यहाँ पर आयोग के द्वारा समय समय पर देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इसका जो पहला कार्य है कि जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना, यानी कि देश में अनुसूचित जनजाति को जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, तो उनके संरक्षण की यहाँ पर क्या करना, उनका संरक्षण हो पा रहा है नहीं, नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, और किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, तो समय समय पर ये क्या करता रहता है, इसकी समीक्षा करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, जनजातियों को संविधान में दिए गए अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हों उसके बारे में सरकार को और पार्थ देना, पार्थ यानी कि एक प्रकार से रास्ता बताना, यानी कि सरकार को क्या उसकी ओर अग्रसर करना, ठीक है। तो जनजातियों को संविधान में जो अधिकार दे के रखे हैं वो अधिकार उन लोगों तक कैसे पहुँचे, तो इसके लिए क्या करना, समय समय पर सरकार को ये सलाह देता है। अब हमको पता है कि आज की डेट में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, और वो यही सोचते हैं कि समाज में जैसे 1950 से पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है, तो किस प्रकार से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पहुँच बनाई जाए, और जो उनको अधिकार दिए हैं उनका किस प्रकार से यहाँ पर क्या पालन हो सके, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्य करता है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जनजातियों के अधिकारों की हनन की स्थिति की जांच करना, ठीक है। आपने कई केस देखे होंगे टेलीविजन पे, न्यूज़ पे, कि जहाँ पर किसी महिला को है ना उसके बाल काट के अर्धनंग होके उसको पूरे चौराहे पे घुमाया, पूरे गांव में घुमाया, किसी जनजाति के व्यक्ति को जब उसकी बारात निकलती है तो उसे घोड़ी पर ना बैठने देना, तो ऐसे कई प्रकार के अमानवीय व्यवहार जो हैं वो आज भी वर्तमान में भी इन लोगों के साथ किए जा रहे हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की कंडीशन में इनके अधिकारों का हनन होता है तो उसकी क्या करना है, यहाँ पर जांच करना। अब आप बोलोगे जांच करने के लिए तो पुलिस है, कई कई बार पुलिस भी जो रहती है वो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं करती है, तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वो स्थितियों को देखना पड़ता है, मतलब अपने नियंत्रण में लेना पड़ता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों और विकास के बारे में ये क्या करती है, आपकी यहाँ पर प्रतिवर्ष आपकी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है। सो जनजातियों के अधिकार और विकास से संबंधित साल भर में जो कार्य किए गए हैं, तो उसकी यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है, राष्ट्रपति को हैंडओवर की जाती है, और राष्ट्रपति इसको यहाँ पर क्या है, संसद के पटल पर इसको रखता है आपके, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य हैं जो कि जनजातियों से जुड़े हैं, क्योंकि जनजाति से जुड़े हुए अधिकतर व्यक्ति आज भी हम देखे हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश की जनजाति का नाम सुना होगा, गोंड जनजाति, ठीक है। सो आप आज भी जाओगे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, तो ये जनजाति का बहुत बड़ा भूभाग ऐसा, मतलब बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जो कि आज भी अपने जंगलों में या फिर ऐसी जगहों पर कार्य कर रहा है, ऐसी जगहों पर ये निवास कर रहे हैं जहाँ पर विकास की जो धारा है वो प्रॉपर नहीं है अभी तक, ठीक है। सो कुल मिला के जनजाति ज़्यादातर जंगली क्षेत्रों में निवास करती है, तो जंगली क्षेत्रों में किस प्रकार से उनका संरक्षण हो, किस प्रकार से उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए, उस पर भी सरकार का यहाँ पर क्या होता है, ध्यान होता है, जो कि आयोग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सो बात करें यहाँ पे, इसके अन्य पॉइंट आपको याद रखना है कि वन क्षेत्र के आदिवासी जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देना, ठीक है, मतलब जो वन भूमि है उन पर वहाँ पर क्या देना है उनको, कि वो उस क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी
सरकारी संस्था के द्वारा उनको परेशान किया जाए। जनरली हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ खबरें निकलती रहती हैं। तो लघु वनोपज पर क्या देना, उनको स्वामित्व देना। कानून द्वारा जनजाति समुदायों के खनिज तथा जल संसाधन आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने की भी क्या करना, उपाय करना। जनरली आपने देखा होगा कि अगर कोई भी खदान का जो पार्ट है उसको कंपनी अपने अंदर टेक ओवर कर लेती है और वहाँ पर जितने भी जनजाति के लोग रह रहे हैं तो उनको क्या कर देती है, वो आउट कर देती है। अभी जाएँ कहाँ, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि इन खदानों के कारण है ना इनका क्या हो, शोषण हो, ठीक है। तो कुल मिला के सरकार की कोशिश होती है कि जनजातियों जनजाति जो समुदाय हैं तो उनके खनिज तथा जल संसाधनों पर उनके अधिकार को क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे समुदाय में वन सुरक्षा व सामाजिक वानिकी में अधिक सहयोग के उपाय करना। अब जो जनजाति हैं वो ज़्यादातर वनों में रह रही हैं, तो वनों में उनकी सुरक्षा किस प्रकार से मुहैया की जाए, सामाजिक वानगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन का पार्ट किया जाए, सोशल फॉरेस्ट्री का जो पार्ट होता है जिसके माध्यम से जंगलों का भी पार्ट में विकास हो, प्लस इनकी रोजी रोटी में भी क्या हो, यहाँ पर इनको आर्थिक सहयोग मिल सके, तो उसके लिए भी सरकार यहाँ पर कदम उठाएगी, ठीक है। जनजातियों के विकास तब वहनीय आजीविका हेतु नीतियों का क्या करना है, यहाँ पर निर्धारण करना, मतलब किस प्रकार से जनजाति का आर्थिक विकास हो सके, तो उसके लिए भी सरकार यहाँ पर क्या करती है, नीति लेके आती है। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता के लिए, ठीक है, तो तेंदुपत्ता के लिए सरकार की कई सारी पॉलिसी बनी है, योजनाएं बनी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं वो तेंदुपत्ते का संग्रहण करते हैं और उनको क्या यहाँ पर बेचा जाता है, जिससे बीड़ी बनती है। तो एक प्रकार से योजना होगी हमारी। अब कई सारी औषधियाँ हैं जो जंगली क्षेत्र में हमको देखने मिलती हैं, तो सरकार यहाँ पर योजनाओं के माध्यम से क्या करेगी, इनकी आजीविका का भी व्यवस्था करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैसा अधिनियम 1996 है उसका क्या करना है, आपके यहाँ पर पूर्व कार्यान्वयन करना। अब जो पैसा अधिनियम दोस्तों, इसको अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो अधिनियम है वो आपके पंचायती राज्यों से जुड़ा हुआ अधिनियम है, ठीक है। मतलब पंचायत की जो पंचायतों की जो भूमि और उससे जुड़े हुए विकास से संबंध में जो कार्य है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा अधिनियम जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्या करना है, यहाँ पर पूर्व कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी इसका क्या होता है, कार्य करता है, ठीक है। जनजाति समूहों के पुनर्वास संबंधी कार्यों को प्रभावी बनाना। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया अभी, मान के चलो कि किसी क्षेत्र में अगर खदान निकल रही है और खदान का जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनजाति का गांव बसा हुआ था, तो उस खदान के चक्कर में क्या होता है कि इन जनजातियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब आपने हटा तो दिया, उनका पूरा गाँव बर्बाद कर दिया, तो कुल मिला के उनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर पुनर्वास की व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। सो जनजाति समूहों के पुनर्वास संबंधी जो कार्य है उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार करेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर जनजाति आयोग की शक्ति के बारे में। सिमिलर शक्तियाँ महिला आयोग, इनकी पास थोड़ा सा स्लाइडी डिफरेंसेस है, ठीक है। सो ये जो आयोग है इसको भी हमने यहाँ पर क्या, सिविल कोर्ट की शक्ति दे के रखी है, ठीक है। सिविल कोर्ट की शक्ति दे के रखी है, एक प्रकार से आपके ये नॉर्मल केस होंगे उनके यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर उनको अपने अधिकार क्षेत्र में यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, समन भेज सकता है, मतलब कोर्ट का नोटिस भेज सकता है। समन को एक प्रकार से आप ही समझो, कोर्ट का नोटिस ऑर्डर टाइप का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे किसी साक्ष्य की खोज करवाना तथा उसे पेश करवाना। जनरली देखा होगा कि जो हमारे पुलिस विभाग का पार्ट है, अगर वहाँ कहीं दबाव लगा हुआ है, ठीक है, किसी बड़े व्यक्ति का दबाव लगा है, तो पुलिस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। बट ये आयोग पुलिस पर दबाव बनाएगा कि आप क्या करो कि उस एविडेंस की खोज करो, ठीक है, और उसे हमारे सामने पेश कराओ। तो सिंपल सी बात, जब एक बड़ी अथॉरिटी पुलिस स्टेशन पर दबाव लगाएगी तो वहाँ पर क्या, उसको थोड़ा विवश होना पड़ता है। तो किसी साक्ष्य की खोज करवाना तथा उसे पेश करवाने के लिए भी ये कार्य करेगा। प्लस इसके साथ साथ में बात करें, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है, शपथ पत्र के माध्यम से क्या है, यहाँ पर साक्ष्य ग्रहण करना, इसकी भी इसको शक्ति दी जाती है, जो कि जनरली कोर्ट को दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में अगर जो दस्तावेज किसी व्यक्ति के शोषण से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये किसी भी कार्यालय से या फिर किसी भी
न्यायालय से देश भर में वो अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, जनरली देखा होगा आपने, मेडिकल रिपोर्ट रहती है आपकी, FIR की कॉपी होती है, अन्य दस्तावेज भी होते हैं जिन पर विवाद होता है या फिर शोषण किया जाता है किसी व्यक्ति का, तो उनसे जुड़े हुए जो भी आपके अभिलेख हैं, अभिलेख एक प्रकार से रिकॉर्ड है ना, आप शुद्ध भाषा में समझ सकते हो। यहाँ पर आपकी जो जनरल डॉक्यूमेंट टाइप्स के रहते हैं, फोटो कॉपी समझ लो आप, है ना, तो उन रिकॉर्ड को अपने पास ये क्या कर सकती है, यहाँ पर बुला सकती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर वाहन एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए भी क्या कर सकती है, आपके यहाँ पर समन जारी कर सकती है। अब दोस्तों बात करें आयोग की, जो रिपोर्ट होती है, आयोग की रिपोर्ट किसके पास जाती है, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को यहाँ पर संसद के प्रत्येक सदन में यहाँ पर क्या करता है, उसको रखता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उस पर चर्चा की जाती है और उससे जुड़े हुए जो भी कानून है वो सरकार यहाँ पर बनाने का प्रयास करेगी। उसी प्रकार से अपन बात करें राज्य सरकार से संबंधित जो रिपोर्ट होती है, उसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर वाली बात। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोनों वीडियो को आप देखो, अनुसूचित जाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, सो दोस्तों बाय बाय।